इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सोनिया गांधी पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस सांसद असरारुल हक अपने बयान से पलट गए हैं। असरारुल ने अब कहा, जामा मस्जिद के शाही इमाम से सोनिया की मुलाकात में कुछ भी गलत नहीं था। असरारुल हक अब सोनिया बुखारी की मुलाकात को सही ठहरा रहे हैं। पहले उन्होंने शाही इमाम के साथ सोनिया गांधी की मुलाकात के फैसले की आलोचना की थी, लेकिन अब असरारुल हक के सुर बदल गए हैं। कांग्रेस सांसद असरारुल हक ने सोनिया गांधी और शाही इमाम की बैठक पर सवाल उठाए हैं। बात करने के लिए हमारे साथ असरारुल हक साहब मौजूद हैं। असरारुल जी, ये खबर छपी है कि आपने विरोध किया कि सोनिया गांधी को शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी से नहीं मिलना चाहिए था चुनाव के पहले। मुझसे एक अखबार के एक नुमाइंदे ने कई चीज़ों पर सवाल किया, उसमें से एक सवाल उन्होंने ये भी किया कि सोनिया जी ने जो मुलाकात की अहमद बुखारी साहब से, आपके नज़दीक ये मुलाकात क्या है, सही है गलत है क्या है। मैंने कहा ये सब का फैसला पार्टी के लीडर करते हैं, लीडरशिप भी की तरफ से फैसला होता है कि इलेक्शन में किससे मिलना चाहिए, किससे मदद देनी चाहिए, किससे नहीं लेनी चाहिए। इसलिए जो फैसला उन्होंने समझा बेहतर किया। क्या आपको लगता है कि चुनाव से पहले सोनिया गांधी का शाही इमाम से मिलना और फिर वोट मांगना ये ठीक था? ये मैं उनसे भी यही कहा था कि इस पर मैं कोई तबसरा नहीं करूँगा, और आपसे भी मैं यही कहता हूँ कि मैं इस पर अगर कोई बात मुझको करनी होगी तो मैं पार्टी के अंदर जाकर के अपने लीडरों से करूँगा। ये सब का ये तरीका नहीं हम लोगों का कि हम इस बात को प्रेस पे करें। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने एक तरह से आपकी बात का समर्थन किया, उन्होंने भी कहा है कि शाही इमाम जो है वो कम्युनल आदमी है। देखिए, मैं चूँकि इस बात को कहा ही नहीं, इसलिए मेरा कौन सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैं इस पर नहीं जाना चाहता। चूँकि अगर मैं इस बात को कहता तो मैं ये कहता कि भी ठीक है, मेरा एक फलां भी सपोर्ट कर रहे हैं। और अब आपको सुनवाते हैं इकोनॉमिक टाइम्स अखबार को दिए इंटरव्यू में असरारुल हक ने क्या कहा था। आप सार्वजनिक रूप से सभी से अपील कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक समुदाय से अपील करना गलत है। चाहे ये किसी ने भी किया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। समय अब बदल गया है। अगर आप काम करते हैं तो आप जीतते हैं, और अगर आप काम नहीं करते तो हारना तय है।